खबर टीकमगढ़ से है, जहां जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दरअसल कैदी पिछले करीब 2 महीने से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। वहीं परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर पैसे लेकर हत्या करने का आरोप लगाया। आक्रोशित परिवार वालों ने न सिर्फ शव लेने से इनकार किया, बल्कि जेल और जिला जेल अस्पताल के सामने चक्का जाम किया। वहीं घटना को लेकर जेल प्रशासन का कहना है कि देर रात कैदी की अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने खुद ही जेल मैनुअल के अनुसार हम लोग खुद ही न्यायिक जांच के लिए जानकारी दी है हम लोगों ने, और तत्कालिक सूचना दे दी, माननीय न्यायालय को सूचना दे दी गई थी। और इसके अलावा जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मानव अधिकार आयोग हैं, सभी लोगों को जांच के लिए आवेदन दे दिया है, तो पूरी जांच होगी और निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी।